मंत्री का बयान अफसोसनाक है, बेहद अफसोसनाक है। पहले मेरा उनसे सवाल है कि वो मुझे स्कूलों की दुर्दशा बताएं कि स्कूलों में आज की तारीख में जिन स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, जिन स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, उस पर उन्होंने क्या करा। तब वो हिजाब के ऊपर उंगली उठाएं, हिजाब 70 सालों से स्कूलों में लड़कियां पहनकर जा रही हैं, एक भी उदाहरण कहीं से ला के दे दें पूरे हिंदुस्तान का कि एक भी उदाहरण कहीं से गलत मिलता होगा जिसमें हिजाब पहनने की वजह से कहीं इस इंस्टीट्यूट का कोई एटमॉस्फेयर, कोई माहौल ख़राब हुआ हो, एक आध ला कर दें, उसके बाद उंगली उठाएं। ये तो एक मेंढक की टर्टल की तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों को हो गया है। जैसे एक मिसाल होती थी ना, मेंढक टटराने लगता है एक को देख के एक, तो कर्नाटक में चिल्लाए तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि स्कूल में फर्नीचर दे नहीं सके, स्टाफ दे नहीं सके, सब्जेक्ट बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत खराब पड़ी है, बजट है नहीं। तो ऐसी स्थिति में टटराने के लिए उन्होंने कहा बचने के लिए साधन अच्छा मिल गया तो हिजाब को लेकर तूल दे दूं। तो ये बता देना चाहता हूं कि हिजाब बैन करना तो दूर की बात है, माननीय ये देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ये देश गांधी की विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा के और आपकी शब्दों से ये देश नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में इस तरह का जो भी इशू होगा उसका कड़ा विरोध करेंगे और किसी हाल में इसको लागू नहीं होने देंगे।